वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। कार्ड्स दिख रहे हैं लेकिन ग्रुप्स नहीं दिख रहे हैं, आई नो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बोल तो ऐसे नहीं है, ग्रुप्स कहाँ हैं। एक्चुअली वो जो मैं बनाती हूँ ना ग्रुप्स, तो आपने देखा होगा पहले वाले वीडियो में वो थोड़ा सा मिट गया था, जो लिखा हुआ था रिमूव हो गया था होली वाटर की वजह से। स्प्रेड करती हूँ, करना पड़ता है। इसी टेबल पर पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो एनर्जी क्लींजिंग जरूरी हो जाती है, तो वो होली वाटर वगैरह से करती हूँ, सेज स्टिक्स से करती हूँ। तो वो थोड़ा सा मिट गया था तो मैंने उसको हटा दिया। आप थंबनेल में जाकर देख लो, बर्थ मंथ्स आपको दिखेंगे, ठीक है। सो आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो वहां पर भी आपको बर्थ मंथ्स दिख जाएंगे, ठीक है। जिनको ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना है वो कार्ड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को ग्रुप सिलेक्शन पसंद नहीं आता, तो उनके लिए कार्ड्स है। कार्ड्स आप पास से देख लो, क्योंकि वो भी है मेरे पास, ठीक है। पास से देख लो, देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। गाइस ये जनरल रीडिंग है भाई, ये याद रहे, क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी जरूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई पूरा ही रीडिंग रेजोनेट हो जाता है, पूरा हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स कहो मदर यूनिवर्स को, खुश रहो। अगर 50% होता है तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 30% हुआ तब भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं हुआ तब भी बहुत अच्छा है, थैंक्स कहो मदर यूनिवर्स को, खुश रहो। इसका मतलब है कि अभी मदर यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस नहीं है आपके लिए, ठीक है। कोई नहीं, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहते हुए ग्रेटिट्यूड फील करो और कहो कि भाई ठीक है, जब आपको ठीक लगे हमें मैसेजेस दे देना, है ना। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हो, जेंडरलेस रीडिंग है कोई भी देख सकता है। मुझे कमेंट्स आते हैं दी हम देख सकते हैं या नहीं, फीमेल्स के लिए है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस तरीके से रीडिंग करती हूँ ऐसे सोचकर कि आप फीमेल हो, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है इस तरीके से बात करना, हाँ। लेकिन मैं शुरुआत में ही बोल देती हूँ, इंट्रो में ही, अभी देखो बोल रही हूँ जनरलिस्ट रीडिंग है तो सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि मेल कैटेगरी के लोगों के लिए, फीमेल कैटेगरी के लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है। और बहुत जरूरी बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है भाई, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टैरट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी का धर्म ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है, और हम उसी के बारे में बात करते हैं, हीलिंग एनर्जीज देते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरों से हीलिंग एनर्जीज लें, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इन सारी बातों में नहीं उलझते हैं। किस धर्म के हैं आप, किस जाति के हैं आप, दर्द कभी धर्म और जाति देखकर नहीं आता, राइट, तो उसका सोल्यूशन भी धर्म और जाति देखकर आएगा क्या? तो इन सारी बातों पर हमारा कोई फोकस नहीं रहता, तो मैं यही चाहूंगी कि आपका भी फोकस ना रहे, ओके। आप जब यहाँ पर रीडिंग देखें तो ये सोचकर देखें कि वो आपके लिए है, और ये तभी होगा जब आपके मन से ये डाउट्स हट जाएंगे कि ये किस धर्म या जाति के लिए है। मैं किसी धर्म या जाति, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा, कि किसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया किसी धर्म को और किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब एक समान है, इंसान हो काफी है, आप भी हो मैं भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं कि भाई कौन है आपके ट्रू फ्रेंड, क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आप उनसे मिल चुके हैं, क्या आपको लेसन उनसे लेने हैं, ठीक है। अगर नहीं मिल चुके हैं तो कब तक मिलोगे, क्या लेसन आपको मिलेंगे, जर्नी कैसी रहेगी, सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑल द बेस्ट एंड हाँ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओके शुरू करते हैं, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रुप नंबर वन एंड कार्ड नंबर वन, ओके, जिन्होंने थ्री ऑफ कप्स को चूज किया है और ग्रुप नंबर वन को चूज किया है, उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं। कार्ड रख देती हूँ मैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या आप अपने ट्रू फ्रेंड से मिल चुके हो, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहने वाला है, तो हम देखेंगे कि भाई मदर यूनिवर्स क्या बताती हैं। ओके, एट ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स,
10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बड़े सुंदर सुंदर से कार्ड्स आ रहे हैं भैया आप लोगों के लिए तो। एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। ऑल राइट, सो क्लियरली दिखता है कि हाँ जी आप बिल्कुल मिल चुके हैं अपने इस ट्रू फ्रेंड से। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इनसे किसी फंक्शन में मिले हैं, किसी शादी में, किसी पार्टी में, जहां पर आपके अलावा और भी कई सारे लोग थे किसी ऐसी जगह में। अगर कोई पार्टी नहीं है, शादी नहीं है, तो कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आपकी फैमिली होगी, इनकी फैमिली होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानते हो, बचपन के फ्रेंड्स हो आप लोग, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फायर साइन के हो सकते हैं वो, जो कि आपके ट्रू फ्रेंड हैं, या फिर एयर साइन के, ठीक है। एंड वाटर साइन भी है यहाँ पर, बट फायरी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो एस हो सकता है, एस से नाम शुरू हो सकता है, एस पी एम टी वाई के ओ पी, ओके। ये इनिशियल्स हो सकते हैं, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा, राशियां भी सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है, मैच होती है, तो फिर आप ये रीडिंग देखिएगा, आपकी ही रीडिंग है। किसी से ये चीजें भी अगर रेजोनेट हो जाती हैं, राशियां इनिशियल्स, तो और भी अच्छी बात है, ओके। नहीं करता है तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे ये भी आ रहे हैं कि जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, जो मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जिनके साथ में आपकी शादी हुई है वही है आपके ट्रू लव, ट्रू फ्रेंड, ओके। यस, अगस्त का मंथ रहा होगा जब शायद आपकी इनसे मीटिंग हुई हो, या फिर तो अगस्त होगा या फिर मार्च का महीना हो सकता है जिसमें आपकी मीटिंग इनसे हुई हो। अगर मैरिड है तो हो सकता है कि शादी आपकी हुई हो, या फिर इस मंथ में कुछ तो स्पेशल है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर उनका बर्थ मंथ हो सकता है, ओके। या फिर अक्टूबर हो सकता है महीना जिसमें कुछ स्पेशल हुआ हो, साफ साफ दिखाई देता है। और जब आप लोग मिले हैं उस वक्त माहौल बड़ा अच्छा था, ठीक है, कुछ बहुत ही सुंदर हो रहा था। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कोई अवार्ड फंक्शन हो, या फिर कुछ लोगों के लिए लगता है कि फ्रेंडशिप डे हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, क्योंकि यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं, फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, जो भी है, ये जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, हो सकता है उनके थ्रू आप मिले हो। अच्छा, एक मैसेज और आ रहा है कि हो सकता है इनका रिश्ता आपके लिए आया हो, ठीक है, जैसे अरेंज मैरिजेस में होता है। और शादी का तो कोई सीन मुझे नहीं दिखता, हुआ नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंडशिप आपकी हो गई, ओके, यस। तो हो सकता है कि इस तरीके से आपसे ये मिले हो। अब मैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगी जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, और फिर हम देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में आए क्यों हैं, आपको क्या लेसन देने वाले हैं या देने वाली है। जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे इसको ले लेना। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले आ गया आपके लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, एंड यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई नीड टू मोर कार्ड्स, द डेविल, एंड यहां पर द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने कहा ही था कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, द टावर, ओके ओके ओके। तो अगर मैं आपके ट्रू फ्रेंड की बात करूं तो सबसे पहली जो चीज मुझे दिख रही है वो ये कि ये डाउन टू अर्थ है, ठीक है। इनका नेचर कुछ ऐसा है कि चाहे ये कितना ही फेमस क्यों ना हो जाएं, कितना ही ऊपर क्यों ना उठ जाएं, ये कभी भी अपनी जमीन से अलग नहीं होंगे, ठीक है। इनका नेचर ऐसा है,
ये भूलेंगे नहीं कि ये पहले कभी कहाँ थे। जैसे कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, थोड़ा सा अगर नेम एंड फेम मिला तो उड़ लिया ठीक है, भूल गए कि कहाँ थे कभी। तो इनके साथ वैसा नहीं है, ये चाहे कितने भी फेमस हो जाए, चाहे कितना ही इनके पास पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी पद पर ये आ जाए, ये नहीं भूलेंगे कि ये कहां से थे, शुरुआत कहां से हुई थी। ये बड़ी अच्छी चीज है इनके अंदर। दूसरा ये कि काफी काइंड है और इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हैं, जस्टिस में बिलीव रखते हैं, बराबरी में बिलीव रखते हैं, ठीक है। अगर सपोज ये घर के प्रोवाइडर हैं, अपने घर के प्रोवाइडर हैं, तो ये अगर कुछ भी घर घर पर लेकर आते हैं, सपोज किसी दिन उनका मन कर गया कि इनको गिफ्ट्स देने हैं घर पर, तो ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इनके अकॉर्डिंग ये है कि प्यार देना है तो सभी को देना है, वरना फिर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। अगर प्यार करो तो सबको करो, और अगर स्ट्रिक्ट रहो तो सबके लिए समान ही रहो। ऐसा नहीं कि किसी को प्यार दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। किसी को गिफ्ट दिए किसी को छोड़ दिया, क्यों भाई, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है इनकी। आई फील कि ये बहुत ज्यादा चैरिटी वगैरह में भी काफी ज्यादा इनका फोकस रहता है, हो सकता है इनका अपना एनजीओ हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से ये हेल्प करते हैं, लेकिन ये करते हैं, इनको अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपने सिटी के बारे में सोचते हैं, और हमेशा उसको डेवलप करना, कुछ कुछ नया करना जिससे लोगों की समस्याओं को ये दूर कर सकें। ये जिस फील्ड में है, नहीं पता कि क्या ये काम करते होंगे, हालांकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि बिजनेस है इनका अपना, अब वो कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर दिखते हैं, या फिर हो सकता है ये सीए हों, या फिर डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी इनका प्रोफेशन है। तो उसमें ये काफी बदलाव लाना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल वे है उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जो भी ये करते हो, जो काम सदियों से एक जैसा ही होता चला आ रहा है उसको थोड़ा चेंज करने की एक इच्छा रहती है मन में। काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बात करना इनको पसंद है, बट समटाइम्स मैनिपुलेटिव है, ओके हैं ये। जब इनको कुछ छिपाना हो, लाइक अगर इनको अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, जैसे अगर ये बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है, और ये नहीं बताना चाहते कि ये तकलीफ में है, पेन में है, तो बड़े ही अच्छे से सामने वाले को घुमा देंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये है पेन में, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं इनकी, वैसे सीधा इनको बोलना पसंद है। इनके हिसाब से इमरजेंसी में हमें मैनिपुलेट कर देना चाहिए ये इनकी सोच है, मेरी नहीं है, इनकी बता रही हूं, इनको ऐसा लगता है। वैसे तो सीधा बोलना, सीधा सुनना इनको पसंद है। जस्टिस लवर है, तो हो सकता है कि जैसे कि लिब्रन एनर्जी है, सो हो सकता है तुला राशि के हों। कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना इनको बड़ा पसंद है। आप देखोगे कि अगर इनको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर ये बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तब भी ये काम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दिमाग इनका चलता रहता है, ठीक है। एंड हाँ, ओवरथिंक भी बहुत करते हैं, ये भी एक चीज है देखने लायक। ये अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो, लेकिन इनके कार्मिक हो, ठीक है, क्योंकि सुंदरता के पीछे भागना, मतलब भागते हैं, इनका नेचर ऐसा है, ठीक है। इनको सुंदर चीजें, सुंदर लोग पसंद आते हैं, और ये उनकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करते हैं, और फिर उनके साथ में कनेक्शन में आना, कनेक्शन में बने रहना इनको एक तरीके से ना मजबूर सा कर देता है। और ये जो इनके साथ होता है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कुछ लेसन दिए जा रहे हैं कि आपको होता है कुछ लोगों के साथ कि अगर आप बहुत ज्यादा सुंदरता के लिए परेशान होते हो, सुंदर चीजों की तरफ भागते हो, ठीक है, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस एक तरीके से ये इनके लिए अच्छा नहीं है, इनकी ग्रोथ के लिए, तो उसको हटाने के लिए वो इनके कार्मिक को लेकर आते हैं इनकी लाइफ में। हमारे साथ ऐसा होता है कुछ, अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज की अधिकता है ना, तो उसको हटाने के लिए मदर यूनिवर्स इस तरीके से करती है। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए और प्यार के लिए आप
हमेशा ही किसी को भी चूज कर लेते हो बिना सोचे समझे। तो यूनिवर्स ऐसा करती है कि बार बार आपको चीट किया जाएगा, ठीक है, आपका कनेक्शन खत्म होगा। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो आपको बताती है कि गलती कहां पर कर रहे हो, सुधार कर लो। तो इनके साथ भी कुछ वैसा ही है, सुंदर चीजों को, सुंदर लोगों को देखकर ये फिर अपना दिमाग यूज ही नहीं करते और पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो डिसीजन लेंगे वो गलत लेंगे, इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स क्या करती है, इनके कार्मिक को लेकर आती है इनकी लाइफ में, बार 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 रिपीटेशन होता है ताकि ये लेसन ले सकें, ठीक है। ये इनके साथ हुआ है, हो सकता है इन्होंने आपको बताया हो कि जब भी ये किसी कनेक्शन में आए हैं, लव रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो टूटा ही टूटा है। एक कार्म एक साइकिल चला है, और जैसे एक साल तक रहा कनेक्शन, दो साल तक रहा, और फिर एंड हो गया। ओके, मनी माइंडेड है और बहुत ज्यादा इनको पैसा कमाना, पैसा बनाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इनके विचार बहुत अच्छे नहीं हैं। वही मैंने कहा कि हो सकता है पास्ट में, जैसे ये जिस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है रिलेशनशिप के ऊपर से, प्यार के ऊपर से इनका मन हट ही जाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे वाइब्स मुझे नहीं आ रहे इनके अकॉर्डिंग। इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि इक्वली उतना ही दे जितना कि ये घर पर देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोवाइडर हैं तो जितना ये अर्न करते हैं उतना वो भी अर्न करे और मिलकर ये घर चलाएं, कुछ इस तरीके की सोच है। इमोशंस नहीं दिखते मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और उसी तरीके की सोच है कि पार्टनर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छा प्रोवाइडर बने, साथ में आपके बर्डन को संभाले। सो यस, ट्रैवल करना इनको पसंद है और अपनी माँ से बहुत ज्यादा इनको लगाव होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं जिसे कि आप समझ सकें कि ये आपके ट्रू फ्रेंड हैं, और ये आपको क्यों मिले हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका रिलीजन ही अलग हो, ये किसी और रिलीजन के हैं, आप किसी और रिलीजन के हो। एंड एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, वो ये कि हो सकता है कुछ लोग इनके साथ में लिव इन में रहे हों, ठीक है, और फिर इनके साथ नहीं बनी तो वापस से आप लोग अब फ्रेंड्स हो गए हो। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन ये मुझे मिला तो मैंने दे दिया। ओके, पहले फ्रेंड्स थे, फिर लगा कि फ्रेंड्स से कुछ ज्यादा है और कनेक्शन में भी रहे, लेकिन फिर उसके बाद शायद नहीं बन पाया। और एक बारी कनेक्शन में आ जाने के बाद वापस से दोस्त बन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है कि आपने ये किया है, आप फ्रेंड्स रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। सो ये क्यों आपको मिले हैं, क्या आपको सिखाने आए हैं, वो अब हम देखेंगे इस वाले डेक से, क्योंकि यहां से मैसेजेस बड़े ही अच्छे मिलते हैं और एग्जैक्ट जो भी होगा पता लग जाएगा। तो अगर आपको ये लेसन मिल चुका है तो कहीं ना कहीं आपका एक साइकिल इनके साथ में एंड हो गया है, और अगर नहीं मिला है तो मिलेगा और उसके बाद में साइकिल एंड होगा। साइकिल एंड होने से मतलब ये नहीं है कि सेपरेशन हो जाएगा, आप लोग अलग हो जाओगे, नहीं। साइकिल एंडिंग से मतलब है जो आपको सिखाना था इन्होंने सिखा दिया, हो सकता है कोई और लेसन हो इनसे आपको मिलने वाला, ठीक है। सो द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स आपने चूज किया था और थ्री ऑफ कप्स ही आपके लिए वापस से कार्ड आ गया। ओके, सो यहां पर कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहूंगी यहां से, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या लेसन ये आपको देने आए हैं। एंड आई फील कि ये आपको लेसन दे रहे हैं या फिर आप उनको लेसन दे रहे हो, देखेंगे। कंफ्यूजन, मैं इसको ऐसे रख देती हूं और इस कार्ड को मैं यहां साइड में ऐसे ओके रख दूंगी। कलर देख रहे हैं आप, सेम है। परसेप्शन, ओके ओके, ओके। सो
हो सकता है जिन्होंने भी ये वाला पाई सिलेक्ट किया हो उनका नेचर कुछ ऐसा हो। दो सिनेरियोस नजर आ रहे हैं और मैं दोनों ही आपसे शेयर करूंगी, एक एक करके देखिएगा कि कौन सा आपसे रेजोनेट करता है। पहला सिनेरियो तो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, ठीक है, और आपकी मासूमियत की वजह से आप कुछ चीजों की गहराई को नहीं समझ पाते। जैसे कि अगर आप किसी से मिलते हो सोशल मीडिया पर या फिर पर्सनली कहीं से आप मिले हैं, किसी पार्टी में, फंक्शन में, किसी से भी मिलते हो। मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ नहीं, क्योंकि वहां पर मुझे कोई मैसेजेस नहीं दिख रहे, इस बंदे की तरफ से आपको कोई लेसन मिले नहीं दिख रहा, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर दिख रहा है तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई सामने से मिलता है, मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की, ठीक है, या सोशल मीडिया पर कोई भी मिला, तो कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते आपने बात करी या फिर 1 महीना आपने बात करी और आपको उससे प्यार हो जाता है, ठीक है, आपको ये लगता है कि प्यार जो है सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है, जब जब सोल टू सोल कनेक्शन होता है तब प्यार होता है। ओके, ये सोच आपकी है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, ठीक है, मैं बता रही हूं कि ये सोच आपकी है, लेकिन जिनसे आप मिलते हैं ना उनका प्यार को लेकर नजरिया दूसरा होता है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि जब तक वो फिजिकली आपसे कनेक्शन में नहीं आते, मतलब फिजिकल होने से मेरा वो मतलब नहीं है, ठीक है, फिजिकल होना, हैविंग सेक्स, नो, मैं बोल रही हूं कि जब तक वो आपसे मिल नहीं लेते, आपको सामने से देख नहीं लेते, छू नहीं लेते, तब तक उनको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी सोच यहां पर ये है कि हमने बात करी और हमें वो कनेक्शन महसूस हुआ, एक स्पेशल कनेक्शन, और इसका मतलब है कि सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, और हाँ प्यार है, हो गया प्यार। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये है कि जब तक वो आपको देख नहीं लेते, हो सकता है किसी ने आपको बोला भी हो कि मैंने तो तुम्हें कभी सामने से देखा ही नहीं, मैं तो तुम्हें कभी टच ही नहीं किया, तो मुझे कैसे प्यार होगा। ओके, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता, कुछ इस तरीके की चीजें हो सकता है आपके साथ होती हों। सो यहां पर जो पहला सिनेरियो है वो ये है, ठीक है। तो यहां पर ये पर्सन आपको ये समझाने आया है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, किसी कनेक्शन में आना चाहते हो, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप, हो सकता है जैसे आप किसी के प्यार में पड़ते हो तो आप करवा चौथ का व्रत करते हो, पूरा दिन भूखे प्यासे हो, उसके लिए और भी व्रत कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, रात में जाकर बर्थडे विश कर रहे हो, अपनी तरफ से तो आप 100% दे रहे हो, राइट। लेकिन सामने वाले के लिए वो 100% नहीं है, क्योंकि वो इसको उस तरह से देख ही नहीं रहा या देख ही नहीं रही। ओके, उसको ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि ठीक है ये तो ऐसे, मतलब सपने जैसा तो ठीक है, लेकिन असलियत में तो ये नहीं है। ओके, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो सामने वाले के लिए तो वो बेकार ही हो गई। तो ये बंदा आपको बताने के लिए आया है, और हो सकता है इस वजह से आपके कनेक्शन खत्म हो जाते हैं और रिपीटेशन होता हो इन चीजों का, ठीक है। फिर से कोई मिला, फिर से आप प्यार में पड़े, फिर वही हुआ, कनेक्शन खत्म हो गया। तो ये बंदा आपको बताने आया है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, अपने परसेप्शन को चेंज करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब कंफ्यूज हो। किस बात को लेकर? अपने इंट्यूशन को लेकर, क्योंकि जब जब आप किसी को, जब जब किसी के प्यार में पड़ते हो आपको लगता है आपकी इंट्यूशन ने कहा था कि यही है वो, शी इज द वन, ही इज द वन, लेकिन बाद में तो कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो मेरी इंट्यूशन काम नहीं कर रही, मैं गलत सोच रही हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ। तो ये बंदा आपको वो क्लियर करने आया है कि इंट्यूशन आपकी सही जाती है, अगर वो आपका सोलमेट है तो आपको फील होता है कि वो आपका सोलमेट है, लेकिन आप उतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना कि करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, ठीक है। तो कहां पर आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कहां पर खुद पर रोक लगा देनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा खुद को सामने वाले को दे दो, पूरा अपना 100% दे दो, कि जब वो कनेक्शन खत्म हो तो आप पूरी तरीके से टूट जाओ। इतना डेडिकेशन भी अच्छा नहीं है। तो कहां पर रुकना है, कहां पर आगे बढ़ना है, वो समझाने के लिए बंदा आपकी लाइफ में आया। एक तरीके से बहुत ज्यादा अगर आप इमोशनल थे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए आया है। विचार आपके बेशक नहीं मिलते होंगे, जो कि मुझे लग रहा है, बट ये जरूरी था इसका आना, ठीक है। या दूसरा सिनेरियो जो है वो मुझे ये लगता है कि हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि आप कुछ महीनों के लिए किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, जब तक कि वो कनेक्शन
कनेक्शन नहीं बनता। जैसे कि आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो और किसी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तब तक आपको एक अट्रैक्शन सा रहता है, ठीक है। और जब सामने वाला मान गया, ठीक है, कि हाँ वो आपसे प्यार करता है और चलो कनेक्शन में आते हैं, तब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हो सकता है ये आपके साथ होता है और आप उसके साथ फिर वापस से फ्रेंड जोन में ही आना चाहते हो, कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, ये चीज आपके साथ होती हो। तो यहां पर ये बंदा आपको बताने आया है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इन चीजों पर कंट्रोल करना होता है, यानी कि मन चंचल है, तो इस चंचलता को ना रोकने की जरूरत है। समटाइम्स हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, और कई बार आपकी इस नेचर की वजह से आपके लिए जो अच्छे ऑफर्स आते हैं वो आप कभी कनेक्शन में जाते हो, फिर फ्रेंडशिप में जाते हो, फिर ये करते हो वो करते हो और कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, आपके हाथ कुछ नहीं रहता, आप सिंगल के सिंगल हैं, ठीक है। ये यहां पर दो तरीके के मैसेजेस हैं और मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन किए, तो ये जो बंदा है वो आपको वही समझाने आया है। इसके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहेंगे वही आपसे शेयर करेगा और उससे आपको ये सीख मिलेगी और कहीं ना कहीं इसको भी आपसे कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी, ठीक है। यस, तो अगर ये लेसन आपको मिल चुके हैं तो इसका मतलब ये साइकिल एंड हो गया है और दूसरा कोई साइकिल शुरू होगा, और नहीं मिले हैं तो ये लेसन आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, कार्ड नंबर टू, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो चलिए देखते हैं कि आप क्या आप अपने ट्रू फ्रेंड से मिल चुके हो और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके साथ में आपकी जर्नी कैसी रहेगी, क्या लेसन्स आपको मिलने वाले हैं उनसे, सब कुछ हम देखने वाले हैं। आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ओके। सो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो फायर साइन के हों, अर्थ साइन के हों, वाटर साइन भी दिख रहा है, एयर साइन भी दिख रहा है, सारे ही सन मून साइन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 50% लोग यहां पर सिंगल ही हैं, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए लगता है कि किसी कनेक्शन में थे एंड रिसेंटली शायद उन्होंने एंड किया है, किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। अब बिल्कुल भी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो नहीं चाहते, फ्रेंडशिप की बात करें तो भी नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही मिले हैं जिन्होंने धोखा दिया है। आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब लोग आपको मिलते हैं, फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, तब तो बड़ा अच्छा रहता है सब कुछ, कुछ टाइम के बाद वो लोग ही आपसे कंपटीशन में लग जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन करने लग जाते हैं, ये चीज मैं देख पा रही हूं। हो सकता है कुछ ऐसा होता हो कि पहले आपका ट्रस्ट जीता, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको धोखा दिया, बड़ा पेनफुल होता है, ये तो बुरा लगता है, आपको कहीं ना कहीं डाउट्स में डाल देते होंगे कि आप लाइफ में सही डिसीजन लेते हो या फिर नहीं, आपको लगता होगा कि मेरे निर्णय हमेशा गलत ही क्यों होते हैं, निर्णय गलत नहीं होते, लोग गलत मिल जाते हैं। हाँ वैसे एक बात तो है कि आप थोड़ा बातों में आ जाते हो, ठीक है, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये चीज है आपके साथ, किसी ने कुछ कहा उसकी बातों में आप आ गए और सामने से कुछ क्लियर करने की बजाय आप जैसे आपको किसी के बारे में कुछ जानना है, ओके, तो आप सामने से नहीं पूछते, आप किसी को भी नहीं कहते, हायर कर दिया कि जाओ उसके बारे में पता लगाओ। अब जो पता लगाने के लिए गया है वो आपको क्या बताएगा, क्या पता है ना, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो नहीं चाहता कि उसके साथ में आप कनेक्शन में आओ, बात आगे करो, बढ़ाओ, आपको कुछ भी आकर इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने मान लिया,
कि हाँ ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझे सच ही बताएगा, और ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए ये चैनल मैसेज है, लेकिन था तो मैंने दे दिया। ओके, हम देख रहे थे कि क्या आप अपने ट्रू फ्रेंड से मिल चुके हो। हाँ, आप मिल चुके हैं और आपका सेपरेशन भी हो चुका है। ठीक है, और आपने खुद मूव ऑन करा है। अब ये जो भी हो, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो ट्रू फ्रेंड थी फीमेल थी, और हो सकता है कि वो वर्क प्लेस पर आपको मिली हो। ठीक है, काफी अबंडेंट है और काफी खूबसूरत है। ठीक है, और उनसे आप मिले और आई फील कि काफी अच्छा भी रहा आपका समय जो भी था उनके साथ, एंड काफी ज्यादा अटैचमेंट से आपको लगा होगा उनके साथ, लगा होगा कि कोई सोल कनेक्शन है, ऐसी फीलिंग आई होगी। बट कुछ और लोगों की वजह से ये कनेक्शन खत्म हुआ, ये दोस्ती खत्म हुई है, और कहीं ना कहीं आपने खुद मूव ऑन किया है। और हो सकता है कि अगर आपने मूव ऑन नहीं किया तो भाई आपकी जो फ्रेंड थी उन्होंने मूव ऑन किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल होंगी, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल होंगी। ठीक है, ओके। हो सकता है कि एक्वेरियस हो वो, या फिर लिब्रन एनर्जी भी है यहां पर, तुला राशि की हो सकती है या हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उससे थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि वो कौन है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि रीडिंग है तो कंप्लीट करनी है। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ, यस, सेवन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टावर, यस, सेपरेशन हुआ है और बहुत पेनफुल एंडिंग है। ओके ओके ओके, यहाँ पर कास्ट एंड रिलीजन का भी फर्क है, हालांकि दोस्ती में इसकी कोई जगह नहीं है, बट फिर भी दो कार्ड ऐसे हैं जो कि कास्ट एंड रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कास्ट या रिलीजन की वजह से आपकी फैमिलीज में ना बनी हो, उस वजह से इश्यूज हुए, या फिर स्टेटस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि फ्रेंडशिप आपकी थी, ट्रू फ्रेंड भी थे आप दोनों एक दूसरे के, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी ने कुछ बातें छिपाई हैं, किसी तरीके का धोखा तो हुआ है भाई, धोखा तो भाई हुआ है यहाँ पर। और ओके, आई फील कि जो आपके ट्रू फ्रेंड थे या थी, हो सकता है आप उनको फ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन वो शायद आपको पसंद करती थी। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने आपको बोला हो और आप पहले से ही किसी के साथ में कनेक्शन में थे और आपने ना बोल दिया और चीजें वहां से बिगड़ गई। ठीक है, जैसे ही आपकी शादी की या कमिटमेंट की बात उनको पता चली, अब क्योंकि आप उनको फ्रेंड मान रहे थे, शायद वो आपको नहीं मान रही थी या नहीं मान रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, ओके, और आप किसी के साथ में थे कनेक्शन में और फिर ये इश्यूज हुए, पॉसिबल है, लेकिन वो आपके ट्रू फ्रेंड हैं, जो भी हैं वो आपके ट्रू फ्रेंड हैं। एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा आपके साथ रहना पसंद करेगा, चाहे आप कितनी ही दिक्कत में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, बट ये कनेक्शन खत्म हुआ है, सेपरेशन हुआ है किसी ना किसी रीजन से। जैसे कि मैंने कहा ही कि अगर आपकी ये ट्रू फ्रेंड है तो किसी ना किसी तरीके से आपको कोई ना कोई लेसन जरूर देंगे, तो वही कुछ है, देखेंगे हम कि क्या लेसन आपको मिलना है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर आपके लिए। काफी ज्यादा टैलेंटेड है वो, जो कि ये जो आपके ट्रू फ्रेंड है, काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इनको
अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो इनको बिजनेस बड़े अच्छे से करना आता है, घर भी संभालना इनको आता है, बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये है अपनी फीलिंग्स वैसे तो जल्दी नहीं बताते हैं, छिपा कर ही रखते हैं ये, बट जब ये घबरा जाते हैं कुछ ऐसा, कोई ऐसी सिचुएशन बने, कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिसमें ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, वही इमोशंस की वजह से, सिर्फ इमोशंस की वजह से ये डगमगा जाते हैं। वैसे तो बड़े पक्के हैं ये। अगर इनको अपनी बात नहीं कहनी है तो नहीं कहेंगे, कोई भी कहलवा नहीं सकता, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही समझ लो जो इनको बुलवा दे, वैसे तो ये बोलने से रहे। ये बड़े अच्छे हैं अपनी फीलिंग्स को छिपाने में और एक अलग ही मास्क लगाकर रखते हैं, कोई इनको समझ नहीं सकता जब तक कि ना चाहे कि कोई इनको समझे। ठीक है, एक्टिंग बड़ी अच्छी आती है। सो या थोड़े से बच्चों जैसे हो सकता है, कभी बहुत मेच्योर लगते हो, कभी ऐसा लगता हो कि बड़े चाइल्डिश से हैं ये। ठीक है, स्पेशल हो सकते हैं काफी ज्यादा, मंदिरों में मस्जिदों में जाना, ठीक है, पूजा पाठ करना, व्रत इत्यादि, ये सब कुछ हो सकता है इनको बहुत पसंद हो। अपनी बातें भी जल्दी खुलकर नहीं कहते और इसीलिए हॉट हो जाते हैं, क्योंकि किसी से ही कहते हैं, मतलब बहुत टॉक्टिव हैं, बहुत बातें करना पसंद है, लेकिन गिने चुने लोगों से, उन्हीं से करते हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा इनका दिल लगा हो, और अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आए जो कि ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का रिस्पॉन्स मिले मुझे, तो बहुत हॉट भी हो जाते हैं। ये खत्म करते हैं चीजों को, ठीक है, अगर आप इनसे मूव ऑन नहीं हुए हैं तो बेशक ये मूव ऑन हुए हैं और हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, क्योंकि ये पिछला कुछ याद नहीं रखना चाहते, पता है क्यों, क्योंकि ये अपना पास्ट भूल नहीं पाते हैं और इससे बचने के लिए, क्योंकि इनका पास्ट इनको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि किसी के साथ में अगर इनका कनेक्शन बिगड़ा तो ये पूरी तरीके से उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया से, खुद हट गए या फिर तो, या फिर सामने वाले को ब्लॉक कर दिया, स्पाय करते हैं, स्टॉक करते हैं, सीक्रेटली वही जानने की कोशिश करते हैं, इंट्यूटिव हैं ये, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हो, बट मुझे लगता है ये इंट्यूटिव है, साइकिक है। कंफ्यूज्ड रहते हैं ये भी, ठीक है, इनका कुछ है ऐसा। बाय द वे इनको बिजनेस करना बड़े अच्छे से आता है, मुझे बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े अच्छे से पता है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अगर कुछ करना है क्या लोगों को पसंद आएगा, ये सब कुछ इनको बड़े अच्छे से पता है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इनका अगर कोई बिजनेस है तो हो सकता है बहुत पहले से वो होता चला आ रहा हो, जैसे हम लोग नहीं कहते कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो करते होंगे, फिर इनके फादर करते होंगे, फिर इन्होंने किया, तो कुछ उस तरीके से है, काफी चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज है। ओके, सो आप देखिएगा कि आपसे ये रेजोनेट होता है या फिर नहीं। अब देखते हैं ये सेपरेशन क्यों हुआ और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये ट्रू फ्रेंड है तो आपको ये क्या सिखाने आए हैं। सिक्स ऑफ वंड्स, ओके, और यहां पर है डेविल अगेन, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके 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 जी, ये इशू है आपके साथ। इनसिक्योरिटी, ओके, impartiality, आपके अंदर
आपके साथ एक इशू ये है कि आप जब किसी से अटैच्ड होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट कहूँ क्या कहूँ, एडिक्शन शायद। जैसे कि अगर आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, ठीक है, आपकी फैमिली को ले लेते हैं अगर आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है ना, तो उस प्यार के लिए आप कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता वो भी, क्योंकि फैमिली मेरी खुश रहेगी। और आप जो करते हैं ना, जो जो मैं कह रही हूं जिसका सेंस नहीं बनता, उसको आप ये समझते हैं कि ये तो आपकी ड्यूटी है करना, ठीक है, सेक्रीफाइस करना, खुद को कॉम्प्रोमाइज करना अपनी खुशियों के साथ, ओके, ये ड्यूटी है। तो ये जो आपकी सोच है ना, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन यहां पर तो यही मैसेज आ रहा है। ये जो आपकी सोच है ना कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो ये फैमिली आपसे छूट ना जाए, या जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आपका अटैचमेंट है, वही एडिक्शन जो भी ले लो, वो आपसे छूट ना जाए, कहीं दूर चले ना जाए, कहीं आप कुछ खो ना दें, ये वाली जो एनर्जी है ना, इससे बाहर निकालने के लिए आपका ये ट्रू फ्रेंड आपको मिला है। हो सकता है इस फ्रेंड के साथ भी आपका अटैचमेंट रहा हो और आपको हमेशा ये लगता हो कि कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, तो इस फ्रेंड ने आपका वो जो डर है ना, उसको सच बना दिया। एक तरीके से आपको शिक्षा दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि जो चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे वही चीजें आपके साथ में होंगी। उससे आपका ये जो आप करते हो ना, सेक्रीफाइस करना, ये जो भी आप इसको नाम देते हो कि हाँ उसको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो आपका ये कुछ भी करना काम नहीं आएगा। अगर आपके मन में इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये चीज मेरे पास से चली ना जाए, बिल्कुल वो चीज चली जाएगी, अब चाहे वो आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो। तो ये जो डर है आपके अंदर से, ये निकालने के लिए ट्रू फ्रेंड आपका आया आपकी लाइफ में, आपको सिखाने के लिए, हो सकता है इन्होंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया भी हो। दूसरा, ये जो अटैचमेंट है, ठीक है, ये जो आदत आपकी पड़ जाती है ना लोगों को लेकर, उसकी वजह से आप जो सेक्रीफाइस करते हो खुद के साथ में, जो गलत करते हो ना, उसको रोकने के लिए ये आया, ठीक है। ये एक तरीके से आपको ये बताने के लिए आया है कि सबसे पहले तो ये सीखो कि अटैचमेंट क्या है, एडिक्शन क्या है, ट्रू लव क्या है, ओके, और इसके बीच में अंतर को समझते हुए ये भी समझो कि किसी के लिए कुछ करना, ओके, किसी के लिए डेडिकेटेड होना और बेवकूफी करने में क्या अंतर है, ठीक है। हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं वो अच्छी बात है, ठीक है, काइंड हो आप, कर रहे हो ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हो, ठीक है, वो काइंडनेस है आपकी, और ठीक है, आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है, हम सभी को लगता है, ठीक है, वो हम करते हैं एक लिमिट तक, और एक लिमिट से ज्यादा जब आप करते हैं तो वो बेवकूफी होती है। तो इसमें डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ओके, ये सिखाने के लिए फ्रेंड आपकी लाइफ में आया। अभी मुझे नहीं पता कि आपने ये लेसन लिए हैं या फिर नहीं, क्योंकि इंट्यूशन आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन इंट्यूशन को आप इग्नोर करते हो। इंट्यूशन आपकी कहती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन इस अटैचमेंट की वजह से आप वही काम करते हो जिससे आपको पीड़ा हो, आपको तकलीफ हो, ओके, आपको गाइडेंस मिलता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो सिर्फ इस अटैचमेंट की वजह से, सिर्फ इस डर की वजह से सही डिसीजंस नहीं लेते, और उसके बाद झेलना आपको पड़ता है, किसी को नहीं झेलना पड़ता जिनके लिए सेक्रीफाइस करते हो उनका कुछ नहीं जाता, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है, अच्छी बात है, मैं आपको बदल भी नहीं रही, बट यूनिवर्स ये चाहती है कि थोड़ा खुद के बारे में सोच लो, और ये जो कंफ्यूजन है जो आपने बनाकर रखा है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं स्टक हूं, सिचुएशन ऐसी बनी है जिसकी वजह से मैं स्टक हूं, जिसकी वजह से मेरे डिसीजंस गलत होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपकी सोच है, आपकी आपकी सोच में आप उलझे हुए हैं, आपकी सोच में आप स्टक हैं, असलियत में वैसा नहीं है, ओके, ये जो भंवर सा बना है जिसमें आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं या फंस जाते हैं, ये असल में नहीं है, ये भ्रम है, ये आपका बनाया हुआ कुछ करने से पहले ही हथियार डाल देने वाली आदत, कि कुछ खो ना जाए, तो खोएगा तो नहीं वो, लेकिन आप आगे बढ़ भी नहीं पाते,
उस डर की वजह से। जबकि आप बढ़ेंगे तो जो आपके पास है वो तो आपके पास रहेगा ही, और जो नहीं है वो भी मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनको आप जाने देते हो सिर्फ इस डर की वजह से। ठीक है, तो आपके अंदर से ये डर मिटाने के लिए फॉर श्योर जो भी आपका ये ट्रू फ्रेंड है निडर रहा होगा, तो एक तो आपको ये बताने के लिए कि अगर आप ये कहते हैं कि आप स्टक हैं तो आप सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी नहीं होती, आप खुद स्टक होते हैं। लोग कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, पहले परिस्थितियां ऐसी थी अब परिस्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां कौन बदलता है? हम ही तो बदलते हैं। परिस्थितियां क्या है? हमसे ही तो बनती हैं। हम अगर उनको बदलेंगे नहीं तो वो नहीं बदलेंगी, वैसे ही रहेंगी। हम जैसे कहते हैं कि पहले जो परंपराएं थी, जो प्रथाएं थी, अब वो नहीं रही, बदल गई, खुद बदल गई क्या? इंसान ने ही तो बदला, किसी ने तो, कोई तो आगे बढ़ा, इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो बस वही चीज है, किसी को तो बढ़ना पड़ेगा, किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। सोचते हो लेकिन करते नहीं हो, कैसे बदलेंगी परिस्थितियां? आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा ना। तो कुछ डर है, कुछ तो आपने बाउंड्री से बना रखी है खुद अपने दिमाग में। ठीक है, तो उसको तोड़ो। वही समझाने के लिए आपका ये ट्रू फ्रेंड यहाँ पर आया है। एक तरीके से कनेक्शन इसीलिए खत्म हुआ कि आपको बताया गया कि जिस चीज से डरोगे ना वही होगा, पक्का वही होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये ट्रू फ्रेंड मिला है। ओके, और थोड़ा अंतर करना सीखो क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो। अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।